सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल, डीएवी नेशनल मेडलिस्ट, डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट एंड टू टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक पार्टिसिपेट, तो आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल झारखंड रनर बिट्टू में। तो आप अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे गलतियां करते हैं जिसके कारण आपका टाइमिंग नहीं घटता है और ना ही आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। तो मैं आज आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो आपको वर्कआउट के बाद फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस टिप्स को अपने डेली लाइफ रूटीन में जोड़ते हैं वर्कआउट के बाद, तो आपका परफॉर्मेंस जल्द से जल्द इंक्रीज होगा। चाहे आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई एथलेटिक्स इवेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, या अपना फैट लूज करना चाहते हैं या अपना मसल गेन करना चाहते हैं, तो ये सारे चीज़ें में बेनिफिशियल होगी अगर इस 5 टिप्स को आप फॉलो करते हैं। तो वो क्या है टिप्स, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लाइक करना और जितना ज़्यादा उसके दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले टिप्स की ओर। पहला टिप्स आप सभी के लिए है कूलिंग डाउन एंड स्ट्रेचिंग। बहुत सारे एथलीट बिना कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग किए हुए घर चले जाते हैं। वे सोचते हैं कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग हमारे वर्कआउट का पार्ट है ही नहीं, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप अपना टाइमिंग जल्द से जल्द घटाना चाहते हैं और कोई बिना इंजरी के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपने वर्कआउट में आपको कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग करना ही करना चाहिए। जैसे आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है तो आपको कूलिंग डाउन स्टार्ट कर देना है। कूलिंग डाउन कैसे करना है मैंने वीडियो बना रखी है, और भी इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा, आप अगर उस वीडियो को चेक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरी बात आते हैं स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग आपको करनी चाहिए वर्कआउट के बाद। स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती क्या है कि कोई भी एक पार्टिकुलर मसल पे आप लोड दे रहे हो। जैसे मैं ये स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, देख रहे हो, ये स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, तो मैं जैसे कि अपने पार्टिकुलर मसल पे लोड दे रहा हूँ कुछ समय के लिए, तो वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग और कूलिंग डाउन करने से क्या क्या बेनिफिट होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बेनिफिट, ये आपके मसल सोरनेस को डिक्रीज करता है। जैसे आप बोलते हो ना कि वर्कआउट करने के बाद मेरा थाई भर गया है, हम सही तरह से वर्कआउट नहीं कर पाए, ना उठ पा रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं, तो अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं या कूलिंग डाउन करते हैं तो आपकी सोरनेस ऑफ मसल को घटाता है, के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है। अगर आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिक है आपका स्पीड अच्छा खुलेगा, स्टेप अच्छा खुलेगा, आपकी हाथ और पैर और बॉडी स्ट्रक्चर अच्छी रहेगी रनिंग करते समय, जिससे आपकी टाइमिंग बिल्कुल डिक्रीज होगी। तीसरे इसके बेनिफिट है, आपके इंजरी की चांसेस घटाती है। अगर आप अच्छे तरह से कूलिंग डाउन करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, निश्चित है कि आपकी मसल रिकवर होगी, जिसके कारण आपका बॉडी में कोई तरह का इंजरी नहीं होगा। दूसरा टिप्स आप सभी के लिए है टेक बाथ, मतलब आपको ठंडे पानी से नहाना है। बहुत सारे एथलीट क्या करते हैं, जब वो हैवी वर्कआउट करते हैं तो उसके मसल में पेन वगैरह होने लगता है, या फिर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण उसके बॉडी में पेन होने लगती है। तो बहुत सारे कोचेस या आप जैसे कहीं यूट्यूब पे देखते हो या इंस्टाग्राम पे, उन्हें आइस बात कराया जाता है। तो जैसे कि हम लोग जो हैं इंडियन आर्मी के लड़के प्रैक्टिस करते हैं, या हम लोग हैं तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम डेली आइसिंग करते हैं तो 100 रुपीज़ के आसपास हमारे खर्चा हो जाएंगे, उतना प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, ठंडे पानी जो मतलब मोटर वगैरह से पानी निकलती है उससे नहा लेना है, या फिर आपके बगल में नदी वगैरह है तो वहाँ पे जाके आप नहा सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ। बहुत कोई बोलेंगे आपको वर्कआउट करने के बाद नहाना नहीं चाहिए, तो मेरे नज़र में ये बिल्कुल गलत है। नहाना चाहिए आपको, मतलब 10 मिनट 15 मिनट के बाद आप जब घर जाते हो तो बिल्कुल फ्रेश होकर नहा लीजिए। उससे क्या क्या बेनिफिट होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बेनिफिट, ये आपके लैक्टिक एसिड जो बनती है वर्कआउट करते समय उसे रिमूव करती है। दूसरा बेनिफिट है, ये आपके मसल को रिकवर करता है। तीसरा इसका बेनिफिट है, ये आपके मसल की इन्फ्लामेशन को घटाता है, जिसके कारण आप दूसरे दिन अच्छे से वर्कआउट कर पाइएगा। सिंपल सा तरीका है, अगर आपकी बॉडी रिलैक्स है, आपकी मसल में कोई तरह का लोड नहीं है, लैक्टिक एसिड बिल्कुल आपकी बॉडी से रिमूव है, मतलब जो आप वर्कआउट करके आए हैं, और आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, तो अगले दिन आप अच्छे से वर्कआउट कर पाइएगा। वही सिंपल सा तरीका, अगर आपके मसल में या बॉडी में लोड आते जाएगी वही इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगी और आप अच्छे तरह से वर्कआउट नहीं कर पाइएगा। ये आपके माइंड को फ्रेश करता है। माइंड जब आपका फ्रेश होता है, बॉडी में कोई तरह का लोड नहीं होता है, तो आपको अच्छी नींद आती है। अगर अच्छी नींद आती है तो आपका रिकवर अच्छा होता है, इसीलिए आप अगले दिन जाके अच्छे वर्कआउट कर पाते हैं। तीसरा टिप्स आप सभी के लिए है, को प्रोटीन का इस्तेमाल करना है एक्सरसाइज के बाद, जो फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन हो। आखिर हमें प्रोटीन क्यों लेना चाहिए? जब हम वर्कआउट करते हैं तो क्या होती है, हमारी टिश्यू ब्रेक होती है। टिश्यू को फास्ट रिपेयर करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है हम कौन सा प्रोटीन इस्तेमाल करें। आप ओजीवा का प्लांट प्रोटीन ले सकते हो, जो बिल्कुल सस्ता और बिल्कुल ही आयुर्वेदिक है। अगर आप 250 ग्राम प्रोटीन बाय करते हो तो सिर्फ आपको 699 रुपया में ही मिल जाता है, जो बिल्कुल ही सस्ता है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, 20 ml वाटर में आपको एक स्कूप प्रोटीन ले लेनी है। अगर आप एक स्कूप प्रोटीन का इस्तेमाल करते हो तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है, जो एक एथलीट के लिए काफ़ी अच्छा
और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं पाई जाती है बल्कि ओजीवा प्लांट प्रोटीन में आपको मल्टी विटामिन्स भी पाया जाता है और ये बिल्कुल ही आयुर्वेदिक है। इसमें अश्वगंधा, त्रिपाल, आंवला जैसे कई सारे आयुर्वेदिक चीज़ मिला हुआ है। और मैं बता दूं, अगर आप इस प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ना कोई साइड इफ़ेक्ट होती है और इसको काफ़ी अच्छे बेनिफिट है। जैसे यह आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, इसीलिए जाइए आप इस प्रोटीन को बाय कीजिए। बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा प्रोटीन है जो मैं बहुत दिनों से इसे यूज कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है इस प्रोटीन को मैं जब से ले रहा हूँ। तो अगर आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है तो इस प्रोटीन को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने डेली लाइफ में कोई वर्क कर रहे हैं या फिर फैट लूज कर रहे हैं तो इस प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो फटाफट जाइए, लेट मत कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रोटीन है बहुत ही कम दामों में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक। चौथा टिप्स आप सभी के लिए है, टेक मोर वाटर, मतलब आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बीच में भी आप पानी का इस्तेमाल करें। सारे आपको यूट्यूब में या बहुत सारे मतलब अगल बगल के लड़के लोग नॉलेज देंगे कि आपको वर्कआउट के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, तो ये मेरे नज़र में बिल्कुल ही गलत है। आखिर क्यों गलत है मैं आपको साबित करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या होती है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी से पसीना निकलती है, मतलब पसीने के थ्रू समझ लीजिए पानी निकलती है। अगर हम पानी नहीं लेते हैं तो क्या होती है, हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बस इस तरीका समझिए कि अगर एक गिलास में पानी भरा हुआ है और नीचे से वो छेद है और वो पानी सिर्फ निकल रहा है और ऊपर से पानी नहीं आ रहा है, क्या होगा, गिलास खाली हो जाएगा। उसी तरह हमारे बॉडी में है, अगर हम पानी सिर्फ निकाल रहे हैं और पानी का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, जो हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अब अगर हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आपको फेस करना होगा, मसल क्रैम्प, मतलब जो आपकी मसल वगैरह होती है, काप मसल, हैमस्ट्रिंग मसल या ग्लूट मसल, ये सब में आपको क्रैम्प आ जाएगी, जिसके कारण ना आप रनिंग कर पाओगे, ना उठ पाओगे, ना चल पाओगे। दूसरा प्रॉब्लम, आपको एनर्जी नहीं मिलेगा वर्कआउट करते समय, थकान सा लगेगा, लगेगा कि हम कुछ खाए ही नहीं है। पानी में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रहती है, इसीलिए आपको पानी का इंटेक करना ही करना चाहिए। आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा, जब आप वर्कआउट करने आते हैं, वर्कआउट करने आने से पहले एक लीटर या आधा लीटर के आसपास आप पानी पी लीजिए, और जब आप वर्कआउट करके घर जाते हैं तो एक लीटर या आधा लीटर के पास आप पानी पी लीजिए। देखिए, ज़्यादा पानी पीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कम पानी पीजिएगा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। ज़्यादा पानी लेते हैं पसीना के थ्रू या पेशाब के थ्रू आपका निकल जाता है और आपके बॉडी में बेनिफिट भी करता है, लेकिन कम पानी पीते हैं तो पेशाब के थ्रू और पसीना के थ्रू निकलता ही निकलता है, लेकिन आप डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, स्टे हाइड्रेट स्टे हेल्दी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, राइट योर टाइमिंग एंड वर्कआउट, मतलब आपने आज क्या वर्कआउट किया आपको अपने कॉपी पे या कोई डायरी पे लिखना चाहिए। जैसे कि आज आपने 400 मीटर का रेपिटेशन लगाया तो कितना सेट्स लगाया आपने 400 मीटर का, फिर उस रेपिटेशन के दौरान आपकी क्या क्या टाइमिंग आई, मंडे को आप 400 लगा रहे हो, ट्यूजडे को 600 लगा रहे हो, 10 किलोमीटर भाग रहे हो, तो हर एक चीज़ का आपको टाइमिंग नोट करना है। इससे क्या पता चलता है कि आप जो नेक्स्ट दिन अपने शेड्यूल को मतलब फॉलो करने जाओगे, इससे पता चलेगा मैंने 400 मीटर का आज से एक महीना पहले सपोज दैट 1:10 में लगाया था, और एक महीना बाद मैं इसी वर्कआउट को जब फॉलो कर रहा हूँ तो मैं 400 मीटर 1 मिनट के आसपास लगा रहा हूँ। तो इससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी और आपको पता चलेगा आप कहाँ से कहाँ तक आए हो। इसीलिए अपने टाइमिंग को, अपने वर्कआउट को, अपने डेली लाइफ में क्या करते हो और क्या नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ को एक डायरी में लिख के रखो, अगर आप एक अच्छा एथलीट बनना चाहते हो या आप फिर अपने टाइमिंग को घटाना चाहते हो। तो मैं कोशिश करता हूँ हर एक वीडियो में कि आप सभी को प्रैक्टिकली समझा सकूँ और आप सभी को अच्छे तरह से बता सकूँ। अगर मैं आप सभी को अच्छे तरह से नहीं समझा सकता हूँ और नहीं बता सकता हूँ, तो मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस और मेरे ये 4 से 5 साल का पढ़ाई, जो मैं फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये मैं समझूंगा बिल्कुल मैं बेकार में ही पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं हर एक वीडियो में यही कोशिश करता हूँ आप सभी को कि मैं जो सीखा हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप सभी के सामने शेयर कर सकूँ एक अच्छे तरह में, एक प्रॉपर फॉर्म में। इसीलिए मैं एक यूट्यूब चैनल को चला रहा हूँ और आप सभी के सामने आ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं आप सभी को समझाने में बिल्कुल सहमत हूँ और आप सभी मेरा वीडियो को देख के समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, टाइमिंग आ रहा है आप सभी का, क्योंकि आप सभी का प्यार और कमेंट देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इतने कम समय में, मतलब यही 1 साल या 6 मंथ हो रहा है और मेरे 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। कुछ दिनों बाद अगर इसी तरह का प्यार रहा, इसी तरह मैं मेहनत करते रहा, आप सभी मुझे मिलियन तक भी ठिका सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और अपने भाई को इसी तरह प्यार देते रहो। और भी छोटे छोटे टिप्स चाहिए या फिर डेली अपडेट चाहिए वर्कआउट को लेकर या मुझे लेकर मैं क्या करता हूँ, कुछ भी अपडेट चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए, jharkhand.runner.bittu के नाम से है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद, भारत माता की।